अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक का बुक वर्क करेंगे और उसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर है हमारा 85। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट सी करेंगे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, और बाकी का सारा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ हमारे पास एग्जांपल की दी गई है, द एम्प्रेस स्माइल्ड। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये लाइन हमारे बुक में से ली गई है, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस कौन होती है जी? आपको पता है ना, एम्प्रेस क्वीन को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस पर हम एस लिख सकते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट। स्माइल्ड, स्माइल्ड हमारा बाकी का पार्ट है। बाकी का पार्ट हमारा अभी यहाँ तो इस सेंटेंस में एक वर्ड पर कंसिस्ट कर रहा है ना, लेकिन ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी का पार्ट हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, ये पढ़ लें इसको। द फर्स्ट पार्ट द एम्प्रेस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, द सेकेंड पार्ट स्माइल्ड इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, जो हमारा काम करने वाला होता है, यानी कि उस पर हमारा फोकस होता है, और बाकी का सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल नेक्स्ट पेज में है, आइए उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है, लुक एट द फॉलोइंग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। द पुअर वुमेन सोब्ड, यहाँ पे द पुअर वूमेन हमारा सब्जेक्ट है और सोब्ड जो है वो प्रेडिकेट है। ही स्माइल्ड स्वीटली, यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है और स्माइल्ड स्वीटली प्रेडिकेट है। अ मैन एंड अ वुमेन वॉक बिसाइड हिम, यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अ मैन एंड अ वुमेन, ये दोनों सब्जेक्ट्स में हैं, ठीक है, और बाकी का सारा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट है। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंटू देयर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट, यहाँ बच्चों हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें उन्होंने कहा है कि आप इनकी डिवीजन कर दें, ठीक है, बता दें कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बर्ड्स की बात हो रही है, तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, फ्लाई इन द एयर बाकी का प्रेडिकेट, बाकी का सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट। नंबर बी, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, यहाँ पर बच्चों कारपेंटर्स के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और मेक फर्नीचर हमारा प्रेडिकेट है। नंबर सी, द बॉयज रैन डाउन द रोड, यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट क्या है? आपने मुझे बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप बताएं। जी हाँ, द बॉयज, द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का सारा सेंटेंस जो है वो प्रेडिकेट है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने इसको पढ़ना है और इनको आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिहाज से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर एस राइट करना है और प्रेडिकेट के ऊपर पी राइट करना है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा, यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं और आखिर में उनके एक ऑप्शन भी दी गई है। उन्होंने यहाँ हमसे कहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को देखकर हमें पता चलता है कि ये सारे सेंटेंस गुजरे हुए वक्त यानी कि पास्ट टेंस के बारे में हैं। तो आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में हमारी फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह पढ़ेंगे, यस्टरडे वी डैश इन द रिवर, स्विम की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, स्वैम। लास्ट नाइट अ थीफ डैश माई बाइसिकल, स्टील की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, स्टोल। लास्ट वीक माई मदर डैश सम न्यू क्लॉथ्स, बाय की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, बाउट। यस्टरडे आई सेंट हिम अ लेटर, सेंड, सेंड की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, दैट इज सेंड। नंबर ई, माई ब्रदर डैश हिज फ्रेंड होम, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, दैट इज ब्राउट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक स्टोरी है, ठीक है, ये पार्ट एक स्टोरी के बारे में है, वो स्टोरी आपने पढ़नी है और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ये कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं, ये देखें इस पेज पे भी हैं और इसके अलावा ये हमारे नेक्स्ट पेज पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक गेस है, ठीक है, इसकी स्टोरी किधर है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी स्टोरी
बच्चों पेज नंबर 133 पे है। आपकी बुक के लास्ट में पेज है 133, आइए उसको खोलते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9, द स्टोरी ऑफ सिल्क, एक्सरसाइज डी, पैसेज टू रीड अलाउड द न्यू टीचर। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है, इसकी हेडिंग है द न्यू टीचर। हेलो, माय नेम इज़ मिसेस सेब। आई कम फ्रॉम सियालकोट इन पंजाब, बट हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 10 ईयर्स इन इस्लामाबाद। आई कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग एट कैथेड्रल हाई स्कूल एंड माई हायर स्टडीज एट कंडेड कॉलेज इन लाहौर। In my free time, when I'm not teaching, I like to go traveling and read a lot. I don't take part in sports but love to watch cricket on television. I also like old films. I sometimes eat Italian food such as spaghetti and pizza, but I dislike food that is too spicy. My favorite colors are green and blue. I hate red. तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है टीचर की, द न्यू टीचर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो दिए गए हैं द स्टोरी ऑफ सिल्क के पार्ट डी में। तो आए वापस चलते हैं उस पेज पे। जी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टीचर्स नेम। टीचर का नाम क्या था जो नई टीचर आई थी स्टूडेंट्स बच्चों की क्लास में, कौन सी टीचर थी? जी हाँ, मिसेज जेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। वेयर इज़ द टीचर फ्रॉम। टीचर का ताल्लुक कहाँ से था, कराची से, सियालकोट से या क्वेटा से? जी हाँ, सियालकोट से। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट वॉज द नेम ऑफ द टीचर्स स्कूल। टीचर्स के स्कूल का नाम क्या था, सिटी स्कूल, कैथेड्रल हाई या ऑक्सफोर्ड हाई? जी हाँ, कैथेड्रल हाई। क्वेश्चन नंबर 4, वट डज द टीचर लाइक डूइंग। और टीचर को क्या काम करना पसंद था, ईटिंग एंड ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंड स्पोर्ट्स या रीडिंग एंड ट्रैवलिंग? जी हाँ, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टीचर वॉच ऑन टेलीविजन। टीचर को टेलीविजन पर कौन सा प्रोग्राम देखना पसंद था, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, स्पोर्ट्स एंड फिल्म्स, क्रिकेट एंड ओल्ड फिल्म्स या क्रिकेट एंड सीरियल्स? ये आप खुद पीछे से कहानी पढ़ के दोबारा से इसको सॉल्व करें। व्हाट डज द टीचर नॉट लाइक टू ईट। और टीचर को खाने में कौन सी चीज़ें नापसंद थी, इटालियन फूड, चाइनीज फूड या स्पाइसी फूड? ये भी आपने खुद टिक करना है। What colors does the teacher like? और टीचर को कलर कौन सा पसंद था, रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड ग्रीन या ग्रीन एंड रेड? ये भी आपने खुद ट्रिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये काम अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है और अपना खूब ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।